अब बात एनसीपी नेता की गुंडागर्दी की, जिन्होंने पब्लिक के बीच एक उप जिलाधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, विधायक सुरेश लाड काफी देर तक अधिकारी की कॉलर पकड़कर उसे धमकाते रहे। खादी का रौब देखिए, न जनता की परवाह और न ही कानून का डर। देखिए किस तरह दो अधिकारी किसी मुजरिम की तरह नेताजी के सामने खड़े हैं, कैसे कॉलर पकड़कर दोनों को खिलाया जा रहा है। नेताजी का गुस्सा इतने से शांत होने वाला नहीं था, बस जड़ दिया थप्पड़। पहले एक अधिकारी को, और फिर उसके साथी को। अधिकारी बच्चों की तरह समझाते रहे, लेकिन नेताजी नहीं रुके। सफेद कपड़ों में गुंडागर्दी दिखा रहे ये एनसीपी के विधायक हैं। नाम है सुरेश लाड़। एनसीपी की सरकार चली गई, लेकिन विधायक साहब की हेकड़ी कम नहीं हुई। जिस जनता ने नेताजी को चुना, आज उसी के सामने अपने रुतबे और अकड़ दिखाने का मौका ये छोड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल ये मामला शुरू हुआ रिलायंस गैस कंपनी और किसानों के बीच चले आ रहे विवाद से। किसान कंपनी पर जबरन जमीन लेने का आरोप लगा रहे थे, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी अभय कलगुटकर और एनसीपी विधायक सुरेश लाड़ के बीच बहस हो गई। जब जुबान से मामला नहीं सुलझा, तो नेताजी ने हाथों का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। आप देखा ना, तब सीधे अधिकारी को थप्पड़ ही जड़ दिया। इतना ही नहीं, उनके साथी को भी तमाचा मारने से नहीं चूके, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें सिलेक्शन इलेक्शन के आगे बेबस दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।